हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वोलर सिंथेसिस के बारे में और इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें वोलर सिंथेसिस, ठीक है। ये वोलर, इनका जो फुल नेम है फ्रेडरिक वोलर बोलते हैं भाई, इनका जो फुल नेम है क्या है भाई, फ्रेडरिक, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रेडरिक और वोलर हो गया। इन्होंने इस रिएक्शन को प्रपोज किया हुआ था 1828 में, ठीक है। इस रिएक्शन को यूज करके यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज करके यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है। इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, ब्यूटी यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जो यूरिया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए इन्होंने रिएक्शन कैसे कराई हुई है, देख लेते हैं। इन्होंने लिया हुआ है पोटेशियम साइनेट, ये हो गया KCNO, पोटेशियम साइनेट ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई हुई है अमोनियम सल्फेट के साथ में, अमोनियम सल्फेट के साथ में। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इंटरेस्टिंग किस वजह से, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, SCNO बनाएगा। SCNO वीक एसिड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया भाई। अच्छा, इसको अगर आप डालेंगे किस में, वाटर में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और H2SO4 बनेगा, तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एसिडिक सॉल्ट है और ये बेसिक सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट ही है, ये एसिडिक सॉल्ट और ये बेसिक सॉल्ट, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आपका डबल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप इन सॉल्ट का स्प्लिट यहाँ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये रहेगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव सल्फेट आयन हमेशा -2 ही रहता है, ठीक है भाई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कंबाइन होगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। तो वैलेंसियम सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, हमें दो पोटेशियम चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये वन पॉजिटिव चार्ज -2 है, तो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट मिल गया, अब ये आपका अमोनियम आयन ये साइनेट आयन से कनेक्ट होगा, तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनियम साइनेट, ठीक है भाई। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। अब होता क्या है, ये जो आपका अमोनियम साइनेट होता है यही सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है भाई, इस रिएक्शन में यही सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। अमोनियम जो साइनेट बन करके आता है, जब आप इसको हीटिंग करेंगे, जब आप इसकी हीटिंग करेंगे तो ये आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाता है। आइसोमेरिक फॉर्म मतलब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2CO NH2, लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है भाई। आप लोगों ने सीखा होगा एल्केन्स अंडर गो आइसोमराइजेशन, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एन ब्यूटेन ले लिया, CH3CH2CH2CH3, इसकी रिएक्शन AlCl3 और कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हीटिंग करते हैं, और हीटिंग करने में ये ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे CH3CH, ये CH3 और ये CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ इटम डिफरेंट हो जाता है। ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म हैं भाई, ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म चले जाते हैं, ठीक है। कौन से आइसोमर्स है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें कौन से आइसोमर्स हैं, यहाँ पे चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और NH2 ये COO और ये आपका NH2, ये हो गया यूरिया ऐसे फॉर्म किया जाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है भाई, इसका जो रीअरेंजमेंट इस फॉर्म में होता है कैसे होता है, इस पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ, इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ। हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेंटेंस, इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड जो हमें मिला हुआ है, अमोनियम साइनेट मिला हुआ है भाई। देखिए भाई, हम अमोनियम साइनेट से इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं क्योंकि यहीं से रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। अमोनियम साइनेट, ठीक है भाई, ये अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये अमोनियम साइनेट इक्विलिब्रियम स्टेट में लाई करता है विद अमोनियम आइसोसाइनेट NCO, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये CNO, ये NCO साइनेट आइसोसाइनेट, ठीक है, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। और इसमें से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं भाई,
एम्बिट इंटेलिजेंस वो होते हैं जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट होता है, बट एट ए टाइम दे यूज ओनली वन डोनर साइट। तो इसमें अगर आप देखें, नाइट्रोजन भी के पास में भी डोनर एटम है, डोनर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसमें कार्बन के पास कार्बन भी एक डोनर एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डोनेट कर सकते हैं। इसमें कार्बन डोनेट कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। एट ए टाइम कार्बन नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं डोनेट कर सकते हैं। यही स्पेशलिटी, ये विशेषता होती है इसकी एम्बिट इंटेलिजेंस की। जैसे आप लोग देखें, जैसे एल्काइल साइनहाइड और एल्काइल आइसोसाइनहाइड NC, यहाँ पे अगर आप देखें साइनहाइड और आइसोसाइनहाइड, ये भी आपके एम्बिट इंटेलिजेंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप दे लेते हैं NO2ONO, ये भी आपके एम्बिट इंटेलिजेंस हैं, डोनर साइड चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, और ये दोनों फॉर्म टॉटोमेरिक फॉर्म में, जो आप लोगों ने आइसोमेरिज में पढ़ा हुआ, टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम टॉटोमेरिज में हम लोगों ने सीखा हुआ है, कीटो फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विद ऑल फॉर्म, कीटो फॉर्म ऑल फॉर्म, ऑल फॉर्म विद कीटो फॉर्म, ठीक है भाई। तो एल्कोहलिक फॉर्म कीटो फॉर्म के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, और कीटो फॉर्म एल्कोहल के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, ठीक है भाई। तो ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसमें अगर आप थोड़ा सा हीटिंग करेंगे भाई, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टेट लाई करता है, थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो एंट्रोफी को सपोर्ट करने के लिए ये जो आपका NH4 रखा हुआ है, यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाता है। अमोनिया गैस भाई, किसी सिस्टम से अगर गैस निकल रही है तो मतलब एंट्रोफी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाता है, ये अमोनिया गैस निकल गया भाई, अमोनिया गैस, ठीक है भाई, अमोनिया गैस सेपरेट हो जाता है। अब बचा क्या, इस NH4 से अमोनिया निकलेगा तो हाइड्रोजन ही तो बचा यहाँ पर, तो मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, बाकी का ग्रुप ये आपका HCNO हो गया भाई, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है आपका H, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, N(C)O, ये हो गया भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे HN नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3, और जिसके पास में लोन पेयर डला हुआ है। अब ध्यान दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो कार्बन रखा हुआ है, कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कार्बन के ऊपर जबरदस्त हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अब इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में सप्लाई करेगा कार्बन को, ठीक है। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब होता क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, हो गया। अब हो जाता है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। अब देखिए कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के पास में, 1, 2, 3, 4, 5, कार्बन 5 बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर सकता, 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एज ए रिजल्ट ये नाइट्रोजन अब पुल कर लेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, और ये फोर्थ स्टेप है, ये हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे होता क्या है, ये H हो गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन किया हुआ तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बन हो गया, ये आपका COO सेफ है, और इस कार्बन से ये NH3 अटैच हो जाता है। अब सिंस ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज कर रहा है, तो इसके पास में हो जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, हाइड्रोजन अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ये तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन, तो एज ए रिजल्ट यहाँ से H+N आसानी से एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, या अनदर पार्ट अगर भी आप देखें, तो देखिए भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ में फॉर्म कर रहा है, और एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड कार्बन के साथ में फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, केवल 3 बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन हमें पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, और अपनी अनस्टेबिलिटी को या पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल करेगा, ठीक है भाई, पुल करेगा। तो ये नाइट्रोजन कार्बन से तो नहीं पुल करेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी कार्बन को दिया हुआ है, नहीं तो अगर ये कार्बन से पुल करेगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी।
तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है क्योंकि ये है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहाँ से अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की जा रही है, तो ये एज ए एच प्लस आयन निकलेगा और ये एज ए एच प्लस आयन एन माइनस आयन के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा। ये हो गया, बस हो गया भाई। यहाँ पे होता क्या है, ये हो गया। इन जनरल यू कैन से ये भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रह रहा है, ये पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट में रह रहा है। अब इसमें क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन इससे अटैच होगा तो ये एन, ये H हो गया, ये C डबल O हो गया और ये एन एच टू हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन एच टू सी डबल ओ और ये हो गया एन एच टू, ये हो गया यूरिया। तो री अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, अमोनियम साइनहेट का फॉर्मेशन होता है और इसका आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है हीटिंग के जरिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एल्केन का आइसोमराइजेशन कराते हैं, आइसोमराइजेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आइसोमराइजेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं क्योंकि ये होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, टॉटोमेरिक फॉर्म में एक दूसरे के फॉर्म में, वन फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म और किस में, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से ये यूरिया का फॉर्मेशन होता है। हाँ, ध्यान दें, ये जो आपका अमोनियम साइनहेट कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम आइसोसाइनहेट में, ये फास्ट स्टेप रहता है, ये भी आपका फास्ट स्टेप रहता है, बट ये जो स्टेप रहता है आपका स्लो स्टेप रहता है, ये स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। ठीक है भाई, तो इसमें से अगर ये पूछा जाए कि इन सभी रिएक्शंस में, इन सभी स्टेप्स में कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है स्लो स्टेप होता है।